हालांकि एक्सेप्ट बढ़िया नहीं कहा जाएगा, और आप बिल्कुल एक अच्छा मौका हो सकता है। तो लकी सीधे पोस्ट पर लेकिन नीचे रखने में सफल रहे, अच्छी रीडिंग थी। थोड़ी सी टकराहट मैंने कंधे और गर्दन के बीच में लगी, और खिलाड़ियों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट ही करेंगे कि अनावश्यक दबाव रेफरी के ऊपर ना बनाए, क्योंकि अपनाई हुई है प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग परिवर्तन देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप में आकाश या सुरेश जी, अब दबाव झलक रही है दोनों ही टीमों के ऊपर। जो दबाव, एक टीम तो जानती है कि खोने के लिए कुछ तो है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, और उसी की स्थिति को देखते हुए विकास नायक को जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई या गलत करार दिए जाते हुए फिलहाल एक मौका भी बनेगा। हालांकि एक चीज में नजरे गड़ाए हुए हैं, अभी भी गेंद मौका मिला ठाकुर ने बदले। जो प्यार है इसके लिए हम सभी कमेंटेटर बंधु आपका आभार प्रकट करते हैं, साथ में बहुत है काफी निश्चित रूप में। मैं कहूंगा कि तीन चार राज्यों के दर्शक हमारे बीच आज उपस्थित होने वाले हैं, और इस क्रम में एक बड़ा मैच हमें देखने का मौका मिलेगा। मैदान के बीचों बीच दो बेहतरीन टीमों का आगाज हुआ है, दो बेहतरीन टीम अपने अपने दामन थामने के लिए मैदान के बीचों बीच जा चुके हैं। दोनों ही टीमों की बात करें, प्रेम स्पोर्टिंग हाडोडी वर्सेस त्रिमूर्ति संघ गुटियोली। त्रिमूर्ति संघ गुटियोली की बात करें, सफेद हरा और बेहतरीन मैच है सुनील जी, और मैं पहले ही आपसे कहूं कि माइक्रोफोन के माध्यम से आज बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कला कौशल से हम लोग आज इस मैदान के बीचों बीच हर वो चीज हमें देखने का मौका मिलेगा जो आज उम्मीद लेकर। और इस समय खेल के संचालन की भूमिका अगर कहें, मेन रेफरी के तौर पर आकाश राउत जमशेदपुर क्षेत्र के एक बेहतरीन, और जिनके ऊपर इस टूर्नामेंट को सफल आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। दो दिनों तक लगातार हमारे साथ वो जुड़े रहे महोदय के तौर पर आकाश जी। हाँ, निश्चित रूप में आज अगर मैदान की जिक्र करें तो आज जीआरडी के कॉम्प्लेक्स में बैठे मुझे ऐसा अनुभूति हो रहा है, क्योंकि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के ग्राउंड काफी कम उपलब्ध होते हैं। मैं श्रेय देना चाहूंगा जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं जो इस टूर्नामेंट को सफल आयोजन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहे, सबों को साधुवाद, क्योंकि निश्चित रूप में उनकी जो कोशिश है आज मैदान के अंदर हमें देखने का मौका मिल रहा है। ये पहला प्रयास हालांकि सफल नहीं हो पाए। जो भी दर्शक अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, पुनः एक बार अवगत करा दे दोनों ही टीमों से, सफेद और नीला ये है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली। प्रेम स्पोर्टिंग हाडोडी की बात करें तो आसमानी नीला और लाल। बिल्कुल शुरुआती क्षण है सुनील सोरेन, जर्सी नंबर 11 में खेल रहे हैं प्रेम स्पोर्टिंग की तरफ से, और बेहतरीन खिलाड़ी जिनके नाम इस जो साल रहा है काफी बेहतरीन, और इस बार बहुत ही सुंदर गेंद निकालने में कामयाब, और जिस तरह से पैर रखी गई थी गलत करार दिए गए हैं। आकाश काफी सामने मौजूद थे और इनकी जो निर्णय आज आने वाली है किसी प्रकार के कोई डाउट में ना रहे, काफी बेहतरीन निर्णायक हैं, बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा। और मेरे ख्याल से आज जितने भी यूट्यूबर आए हुए हैं आप उनके माध्यम से लाइव टेलीकास्ट का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप फुटबॉल की देखने में बहुत इच्छाएं रखते हैं, आज मैदान तक नहीं आ पाए हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। ये एक काफी अच्छा अनुभूति भी है और काफी अच्छा प्रयास भी है हमारे जो यूट्यूबर है उनके माध्यम से एक प्रयास। निश्चित रूप में विकास नायक और विवेक सिंह आपस में बातचीत करते हुए किस तरह के किक लिए जाएं, पहला मौका हो सकता है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली के लिए। बिल्कुल, और उससे बड़ी बात है शंकर जी, डिफेंडर घनश्याम मुर्मू फ्रंट लाइन में चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इस पहला सेट पीस को हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो यहीं से स्कोर तलाश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर टीम की, लंबी बॉल सभी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, हालांकि दो दो डिफेंडर मौजूद, बहुत ही सुंदर टच। और इस मैच में ऑफसाइड जो रूल नंबर 11 है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है।
और इस बार फुलचांद मालिक रन आते हुए अच्छी गेंद विकास नायक के लिए सौंपना चाहा। लेट फुटर भी एक बहुत अच्छे पास देने में सफल नहीं हो पाए। शिप्रयास अभी तक गति देखने का मौका मिलता, दोनों ही ओर से खिलाड़ी खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मोमेंटम होना चाहिए गेंद का वो मोमेंटम अभी तक नहीं बना पाते हुए। और इस बार संदीप माहली तालमेल, वन टू वन जगह है यहां पर खिलाड़ियों के पास आगे आने का, जमीनी किक रखने का प्रयास सुंदर। घनश्याम मुर्मू अभी तक वो रिदम वो मोमेंटम अभी तक बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल शंकर, मैच पूरी तरह सब आप पर, आप लेफ्ट फॉरवर्ड के पास गेंद देखने वाली बात है, यहां से गेंद को ग्राइंड राइज करती है मिड हाफ पर, मौका है सात सीधे गोल पोस्ट पर गेंद को भेजना चाह रहे हैं, बहुत ही उछलने की क्षमता दोनों गोलकीपर में है। गोल किक की तैयारी चल रही है। प्रेम स्पोर्टिंग हाडोडी मैदान के बीच बीच प्रेम 15 नंबर यूनिफॉर्म में एक बहुत ही बेहतरीन मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं, और हमेशा अपने दिमाग को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अपने सभी खिलाड़ी को खिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ड्रिबलिंग, बिल्कुल, हालांकि खिलाड़ी थोड़ा पीछे रह गया और गेंद चलेगी ठाकुर किस्कू के पास, बिल्कुल सुनील लोहार, बहुत ही आला दर्जे का पास यहां पर देने की कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाए, हालांकि गति देने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी तक वो तालमेल हमें दिखाई नहीं पड़ा है, इसके लिए जानी जाती है त्रिमूर्ति संगुटी वाली की टीम। सुनील जी आज थोड़ी सी धीमी, मैं कहूंगा कि मोमेंटम अभी तक वो देखने का मौका नहीं मिला जरूर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे हम लोग उम्मीद करेंगे एक अच्छा फुटबॉल हमें देखने का मौका मिले। बिल्कुल फ्रंट लाइन में खेल रही विवेक, विकास नायक और फुलचांद, इन दोनों पे, इन तीनों पे निर्भर करती है कि किस तरह से आक्रमण करना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग के खिलाफ। अच्छा शॉट, लेकिन बेहतरीन पंच लगी राम हंसदा, हालांकि गेंद चली आई डिफेंडर गेंद के बगल में, बड़ा शॉट लेना चाहा, हालांकि गेंद शायद ओवर बाउंड्री होकर चली जाएगी मैदान से बाहर। बिल्कुल प्रगति के टूर्नामेंट की बात करें तो बेहतरीन फुटबॉल खेल का आगाज निश्चित रूप में होता हुआ, और ये जो फुटबॉल की लोकप्रियता है निश्चित रूप में हमें मैदान के चारों ओर एक बार अगर एक नजर डालकर देखें तो हमें जरूर ये दिखाई पड़ रहा है कि कितनी लोकप्रिय है हमारे इस क्षेत्र में फुटबॉल। लेकिन इसी बीच एक सेट पीस का मौका मिलता है, प्रेम माड़ी सेट पीस के लिए गए हैं जरूर। नपातुल्ला किक सीधे पोस्ट पर, लेकिन नीचे रखने में सफल रहे, अच्छी रीडिंग थी यहाँ पर, हालांकि ये गेंद की ऊंचाई अगर थोड़ी सी नीचे रखने में सफल हो जाते तो निश्चित तौर पर ये पहला स्कोर हो सकता था उनकी टीम के लिए। अभी तक खेल में स्पीड वो जो रोमांच होनी चाहिए थी वो अभी तक दोनों ही टीम सदी भी फूक फूक के कदम रख रही है, गलती नहीं करना चाहते हैं दोनों टीमें। बिल्कुल, और शंकर सर हम इसी क्रम में इसके बाद वाले खेल के लिए दोनों हमारे सम्मानीय दल को भी मैं सूचना देना चाहूंगा, भाई आप हैं ड्राइवर एकादश प्लास टी और आप हैं डिजिटल सेवा, बिल्कुल आप अपने समय में तैयार रहे। ये जो मैच चल रही है पहला हाफ का मैच चल रहा है, और इसी बीच शायद गेंद कॉर्नर के लिए संकेत आई है, यानी कि एक अच्छा मौका मिलेगा, विवेक विवेक किक लेने के लिए आ रहे हैं त्रिमूर्ति संघ गुटी उल्लू की तरफ से, यहां से दबाव बनाने की जरूर कोशिश हो रही है। हेड बहुत बढ़िया था लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं था जिससे कि अपने टीम के लिए कुछ अंक प्राप्त हो। शंकर सर अब निश्चित रूप में और इस समय एक दबाव बनाने में कामयाबी अर्जित जरूर किए थे, दबाव बनाने में सफलता जरूर अर्जित करी है, लेकिन एक शून्य की बढ़त जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला पाए हैं। काफी अच्छी शुरुआत है और शुरुआत में दोनों ही टीमों की स्कोर लाइन की बात करें तो 0-0 की स्थिति पर दोनों ही टीमें, मैं इसके बाद वाली खेल के लिए दोनों टीमों के टीम कैप्टन कृपया ध्यान दें, ड्राइवर एकादश प्लस टी वर्सेस डिजिटल सेवा, दोनों टीमों के टीम कैप्टन जाग रहे हैं कि आप अपने अपने खिलाड़ियों को तैयारी कराकर ठीक हमारे मंच के समीप धीरे धीरे आप मेडिकल जोन पर चले आए। बिल्कुल, गेंद फिलहाल राम हंसदा के पास,
बहुत ही हल्का शरीर वाले खिलाड़ी सुनील सोरेन के पास फिलहाल गेंद चली गई है। हालांकि आज से बहुत ज्यादा सुनील सोरेन अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। प्रेम मार्डी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, शायद खेल रहे सभी खिलाड़ियों में से सबसे अनुभवी खिलाड़ी प्रेम मार्डी। हालांकि उनका साथ आज अपने टीम के सभी खिलाड़ी बखूबी देते हैं। इस बीच गणेश साहब, हालांकि देवेन के लिए बिल्कुल लेफ्ट फुटेड के बजाय राइट फुट में किक लेना, शायद सुनील सोरेन तक गेंद पहुंचाना चाह रहे थे। हालांकि अभी भी अपने पास ही गेंद है, फिर से सजाने का मौका मिलेगा। यहां से दूर वाली छोर से गेंद आई है, हेड लगी, ओ बेहतरीन, दूर वाली छोर से जिस तरह से स्कोर, यहाँ प्रेम स्पोर्टिंग ने किया, संदीप माली की लंबाई का फायदा और कलात्मक हेड, बिल्कुल चुमती हुई गेंद एम्पोलेरिया पर चले गए। शंकर सर आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक शून्य की बढ़त बनाने में फिलहाल कामयाबी अर्जित करते हुए प्रेम स्पोर्टिंग में जिस खिलाड़ी के द्वारा टारगेट पर गेंद रखी गई उन्हें भी बहुत अंक मिलेगा। यही होता है टीम का प्लान एंड टीम का गेम। अब निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी दल त्रिमूर्ति संघ गुटियोली कुछ अलग करने की कोशिश करेगी और बेहतरीन करने की कोशिश करेगी। ठाकुर किसको मैदान के बीचों बीच बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ने के क्रम में अपने साथियों को गेंद थमाते, जो कि विवेक नाम से जाने जाते हैं। राइट फॉरवर्ड के पास गेंद बहुत ही अच्छी जगह पर क्रॉस हो सकती है, बिल्कुल क्रॉस आ रही है, हालांकि बेहतरीन हेड शंकर जी। गेंद चली गई टच लाइन के बाहर, गति दिखाने का प्रयास करते हुए इस तरह शायद फाउल करा दिया गया है शंकर जी। इस पहले भी मिले थे लेकिन उसका लाभ लेने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक एक की समांतर स्थिति में लाने के लिए काफी जल्द उनको एक एक के बाद बराबरी की स्थिति पर लाना होगा। बिल्कुल, फिजियो को बुलाया गया है, शायद हेल लेने के क्रम में थोड़ी सी टकराहट माने कंधे और गर्दन के बीच में लगी। और खिलाड़ियों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट ही करेंगे कि अनावश्यक दबाव रेफरी के ऊपर ना बनाएं, क्योंकि जो रेफरीज आपको अवेलेबल कराए गए इस क्षेत्र के सबसे बेहतर। प्लस डिवर्सिस डिजिटल सेवा, मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही टीमों के टीम कैप्टन से कि धीरे धीरे कदमों से आप हमारे मंच की ओर आगे बढ़ जाएं। काजी चलती मैच धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश त्रिमूर्ति संगुटी उली। ठाकुर की किस पास गेंद, विकास नायक, बिल्कुल विकास नायक जब गेंद के साथ दौड़ते हैं आप उनकी शारीरिक लैंग्वेज देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने मजबूत खिलाड़ी हैं और मैदानी गोल के कितने भूखे हैं। लेकिन आज उनका बहुत ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग के खिलाफ। फिर से तैयारी में ठाकुर किसको, बिल्कुल गेंद पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके हैं, सभी खिलाड़ियों को फैलाने की कोशिश कर रही है। योजना बिल्कुल साफ है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली का। सबसे पहले तो हम एक एक की बराबरी पर आएंगे, लेकिन जिस तरह की रक्षात्मक रवैया अपनाई हुई है प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। पैसा लिया है लबरे। फिर से आ रहा है,
स्पीच किक की तैयारी बिल्कुल किक हो चुकी है। हेड बहुत अच्छी, गोलदाता संदीप महाली अगल बगल में, इस मैच के अब तक के हीरो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। सुनील सोरेन के पास शूटर तो सुनील सोरेन भी है, हालांकि साथ करीब ले जाना चाहता, अच्छा क्रॉस लगी लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथ में। बहुत ही अच्छे गोलकीपर में शुमार किए जाते हैं बबलू सोरेन, लेकिन आज उन्हें संदीप महाली ने छकाया है। विकास नायक बिल्कुल स्लाइडिंग देखने को मिला और गेंद फिर से सुनील सोरेन के पास। सुनील सोरेन यहाँ पे फिर से संदीप महाली के पास गेंद चली आई है, अच्छा मौका है देवेन के लिए, लेफ्ट फुटेड खिलाड़ी तो है ही, ओ बचे और देवेन भी शायद पछता रहे होंगे, इससे अच्छा मौका एक मजबूत टीम के खिलाफ शायद ही मिलेगा। स्कोर को दुगना करने का मौका था इस समय, 2-0 की बढ़त आ सकती थी। फिलहाल सुनील लोहार आज मैच में बहुत कुछ कर पाने में सफल नहीं हो पाते हुए, इस बार एक बेहतरीन मौका हो सकता है उनके लिए। अच्छी किक भी आई लेकिन गेंद चली गई पुणे पर, गोल लाइन के बाहर। कॉर्नर पे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं राजकुमार जी, सबसे पहले तो एचएलएम ट्रॉफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब हमारे इस क्षेत्र में निश्चित रूप में एक परिचय बनाकर अब जाएंगे हमें उम्मीद है। और इस समय मैदान के बीचों बीच एक कॉर्नर किक का लाभ मिलता हुआ, फिलहाल अच्छी किक, हेडर की उम्मीद करेंगे मौका बनेगा, लेकिन हालांकि फिर से एक बार गेंद को किसी तरह बॉक्स से बाहर करने में सफल होते हुए। बिल्कुल, और दबाव तो फिलहाल बनाई है प्रतिद्वंदी दल त्रिमूर्ति संघ गुटियुली ने, फिर से उन्हें कॉर्नर किक मिला है। हालांकि इस कॉर्नर किक को बहुत ही लघु रूप में लिया गया, अच्छा क्रॉस आई। अगर ज्यादा हो तो गर्मी का एहसास और थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जो भी हो खेल अगर रोमांचकारी हो तो इस तरह की गर्मी को झेलने में बहुत ज्यादा मुझे लगता कष्ट नहीं होता है। और सुनील जी, इस समय हम लोग एक ऐसे स्थान पर बैठे लेकिन बातचीत को विश्राम देकर मैदान के बीचों बीच वापसी करें, सेकंड हाफ का मैच है। जो भी दर्शक अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं पुणे को अवगत करा दूं, सफेद पोशाक पर त्रिमूर्ति संघ गुटियुली जो वर्तमान एक गोल से पीछे चल रही है, नीले पोशाक पर यह है प्रेम स्पोर्टिंग हड़ोडी जो शुरुआती क्षणों में ही लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पहला गोल अपनी टीम के लिए लाने में सफलता अर्जित किए हैं। बिल्कुल, और द्वितीय हाफ का खेल अभी अभी प्रारंभ हो चुकी है और यहां से एक सेट पीस भी मिली है प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग हाडुड़ी को। सुनील सोरेन इस बार तैयार है किक लेने के लिए, ऐसे भी सुनील सोरेन का जो किक होती है बहुत गति के साथ होती है, हालांकि इस किक को किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आसमान में उड़ती हुई, लेकिन यहाँ पे राम हसदा ने एक इस शॉट से जाहिर कर दिया कि भाई हम जहाँ हैं अगल बगल में प्रतिद्वंदी दल को बहुत ज्यादा अहमियत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। फिर से गेंद मैदान के बीचों बीच छोर बदली गई है, बिल्कुल बहुत अच्छा सच। इंद्रजीत के पास गेंद फुलचांद के लिए, इन्हें पॉपुलैरिटी में कटप्पा नाम दिया गया है, बाहुबली के कटप्पा। विकास नायक फाउल हो जाएगा, ये तो फाउल हो जाएगा, हालांकि गेंद मैदान से बाहर। फुलचांद के लिए सिन्हा छठे क्रम में बहुत अच्छा क्रॉस आ रहे थे, हालांकि गेंद तो भी ऐसा ही किया था ना उसको, साथ गेंद को मैदान से बाहर जाने दिया जा रहा है। भविष्य में देखा जा रहा है कि वो गति अभी तक देने में नाकामयाब रही है त्रिमूर्ति संघ गुटियुली। बहुत ही सुंदर भी मेमरों का पहला टच आगे निकलते हुए, इस तरह से खिलाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था गलत करार दिए जाते हुए। फिलहाल ठाकुरा किसको, काफी अच्छी कॉम्बिनेशन पर ठाकुरा की रन आती हुई, बहुत ही सुंदर गेंद सुनील की, अच्छी गेंद, मौका बनेगा और यहां पर कुछ अलग करने का प्रयास विकास का सफल नहीं हो पाए, बराबरी का गोल काफी नजदीक था। बहुत ही सुंदर प्रयास हालांकि सफल नहीं हो पाए। समय है सुनील जी, उम्मीदें तो अभी भी बंधी हुई है, दर्शक ये जरूर चाहेंगे कि एक-एक की बराबरी पर जरूर आए, क्योंकि एक नामचीन टीम को हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो हार कर मैदान से वापस चले जाएं, हम लोग भी चाहते हैं कि जब तक मैच हो तब तक बने रहें, लेकिन इस टूर्नामेंट में कोई कम नहीं है और इसका उदाहरण कुछ क्षण पहले प्रेम स्पोर्टिंग हारूडी ने बिल्कुल दिखाया मैदान पर। बिल्कुल, और विकास नायक बिल्कुल काबिल है इस तरह की कलात्मक क्रियाएं करने के लिए, उनका प्रयास बिल्कुल सराहनीय रहा, हालांकि गोल
करने से वंचित रह गए। फिर से गेंद को सजाने की कोशिश गुटियुली की तरफ से, बिल्कुल एकल प्रयास के बजाय और एक, ये तो प्रधान का शॉट है, बिल्कुल फिर से अलग से तैयार करना होगा। इस बीच इंद्रजीत के पास गेंद, परिवर्तित खिलाड़ी भीम, बिल्कुल भीम भी एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी है और भीम को खेलने के क्रम में आपको लगेगा इनको तो शायद थकावट होती ही नहीं है, हमेशा दौड़ते रहते हैं। हालांकि घनश्याम को आज पीछे जरूर रखा गया है डिफेंस की भूमिका में, आज अभी तक बहुत अलग करने में नाकामयाब रही है त्रिमूर्ति संगुटोली। फिलहाल सुनील लोहार अच्छी गेंद निकालने में कोशिश, फिलहाल दोनों हांसदा जगह बनाने की कोशिश करते हुए लंबी बॉल दुलू सोरेन को ढूंढते हुए, अच्छी तालमेल अभी तक ठाकुरा आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ एक सेट पीस प्राप्त करता हुआ, यानी कि यहां से और एक बार दबाव बनाने का मौका मिलेगा। और ये खास करके एचएलएम ट्रॉफी में एक बात होती है, सभी क्षेत्रीय टीमें रहते हैं सुनील जी, दबाव जितनी खिलाड़ियों के ऊपर होती है उतने ही निर्णायक के ऊपर भी होते हैं और दर्शकों के ऊपर उतनी ही दबाव होती है, क्योंकि सबके चाहने वाले टीम होते हैं। कोई अगर यहाँ पर प्रेम स्पोर्टिंग हड़ौटी के प्रबल समर्थक है तो कोई यहाँ पर त्रिमूर्ति संघ गुटियुली के समर्थक है, तो ये सभी दबाव में है और उम्मीद में है। भाई मैं भी दबाव में हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हो फुटबॉल का रोमांच मैदान पर है और इस समय हमें देखने का मौका मिल रहा है कि दोनों टीमों ने जितनी ताकत है वो मैदान पर लेकर आए हैं। बिल्कुल दबाव तो मौसम के पास भी है शंकर, क्योंकि ना अच्छी है प्रधान, नाम भी प्रधान की भी प्रधान है। नीचे रखे सुनील सोरेन, बिल्कुल यहां से देवेन के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक अच्छा क्रॉस संदीप माली से या फिर टारगेट में रखना चाहेंगे, शायद टारगेट में रखा लेकिन गोलकीपर बबलू बिसरा, इस बार संदीप से कोई धोखा नहीं खाया ठाकुर किसकू। भीम का आने के बाद मुझे लगता है थोड़ी बहुत गति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप में आकाश या सुरेश सुनील जी अब दबाव झलक रही है दोनों ही टीमों के ऊपर, जो दबाव एक टीम तो जानते हैं कि खोने के लिए कुछ तो है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, और उसी की स्थिति को देखते हुए विकास नायक को जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई या गलत करार दिए जाते हुए फिलहाल एक मौका भी बनेगा। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सुनील जी, जितने भी प्लेयर मैदान के बीचों बीच खेल रहे हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं, मुझे लगता है कि उस मित्रतापूर्ण जो व्यवहार है आपका उसको आप बचा कर रखें, टूर्नामेंट हर दिन होते रहते हैं, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार लक्ष्मी पूजा। और हालांकि कालीचरण दास के द्वारा एक छोटी सी गलतियां हुई थी और उसके एवज में उन्हें एक सेट पीस सहना पड़ रहा है और इस सेट पीस को सुनील लोहार ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल परेशान कर सकते हैं यहाँ पे प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग को, उड़ती हुई गेंद और मुझे लगता है ये समांतर पास इंद्रजीत राव को ढूंढते हुए सुनील लोहार, बहुत ही सुंदर गेंद निकालने में कामयाब, हालांकि बॉल जीतने में कामयाब हुए हैं जरूर। फिलहाल संदीप माली का टच बहुत ही सुंदर, वन टू वन पास है सुनील सोरेन की, होल्ड एंड प्ले, बहुत ही सुंदर गेंद निकालने में कामयाब। हालांकि बहुत ही सुंदर भीम की रन आती हुई, बहुत ही सुंदर गेंद, एक बार भीम हैमर, अच्छी गेंद, दोनों हांसदा सुमंतन, हालांकि एक बराबरी पर लाने में अभी तक नाकामयाब होते हुए दुलू सोरेन, दुलू सोरेन की जमीनी गेंद, ठाकुर पासे जरूर आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से डिफेंसिव अभी तक देखने का मौका मिलता हुआ, फिलहाल दुलू सोरेन लंबी बॉल की उम्मीद करेंगे लेकिन वन टू वन ठाकुरा सुनील लोहार, फिर से ठाकुरा की गेंद लेकिन बॉल जीतने में कामयाब हुए और गेंद से लेकर उन्होंने गति बदलना चाहा गेंद की। बहुत ही सुंदर खेल का मुजहरा अभी तक, सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बिल्कुल नजर जमाए मैदान पर खड़े हुए हैं, क्या होगा आखिर तक इसका मन में काफी सारे विचार भी चल रहे हैं। फिलहाल विकास नायक के लिए गेंद जरूर सौंपी गई थी लेकिन अच्छी, आज एक चीज की तारीफ करनी होगी सुनील जी, अगर हम लोग प्रेम स्पोर्टिंग हड़ौटी की बात करते हैं, उनकी डिफेंस लाइन आज कमाल का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और शंकर जी
खेल के क्रम में और एक बार सूचना देना चाहेंगे बड़ी प्यार से, भाई आप हैं डिजिटल सेवा, आप संदीप महाली वर्सेस प्रतिद्वंदी दल के डिफेंडर, अभी तक कवरिंग पावर देखने को मिल रहा है, अब देखने वाली बात है गेंद किसके पास आएगी। जबरदस्त एफर्ट संदीप, एकमात्र गोल दाता सुनील लोहार के लिए, कितना समय लेंगे गेंद रिलीज करने के लिए, अभी भी गेंद, वाह डेमोसी खिलाड़ी को, इस बीच बेहतरीन प्रयास बाबलू बेसरा का, सुनील रामू ने प्यार से थपथपी देते हुए बताया भाई उठो मेरे भाई, आपने जो किया शायद थोड़ा सा कम रहा, पहले गेंद रिलीज करना चाहिए था। हालांकि कॉर्नर मिलेगा, दबाव तो काउंटर में भी हुई है शंकर, बिल्कुल और किसी के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। चलिए इसके बाद वाले खेल के लिए ड्राइवर का 10 प्लास्टिक वर्सेस डिजिटल सेवा निवेदन करना चाहेंगे दोनों ही टीमों से कि चलिए आपका भी समय शुरू हो चुका है, धीरे धीरे कदमों से आप भी हमारे वंश के समीप चले आए ताकि खेल प्रारंभ करने में बहुत ज्यादा विलंब ना हो। हालांकि ये मैच बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है ड्राइवर का 10 प्लास्टिक वर्सेस डिजिटल सेवा। बिल्कुल, और इस दबाव में संदीप महाली को भी श्रेय मिलेगा क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक होल्ड करके गेंद को रखा था। संदीप उठना चाहा, शायद फिर से गेंद गोल किक के लिए आएगी, त्रिमूर्ति कलाब यानी कि त्रिमूर्ति संगुटी उली गणेश श्याम, बढ़ते क्रम में सभी खिलाड़ी को तलाशते हुए धीरे धीरे मध्य रेखा के आसपास पहुंचती हुई सामने सुनील सोरेन, हालांकि ठाकुर क्रिस्तु का साथ लेते हुए मैदान के बीचों बीच रास्ता बनाते हुए लेफ्ट फॉरवर्ड दुलू को, हालांकि दुलू इस बीच गेंद होल्ड अप प्ले, विवेक आया बहुत देर तक लेकिन उम्दा हेड आई यहां प्रतिद्वंदी दल की तरफ से, अभी भी गेंद शायद क्लियरेंस बिल्कुल देवेन का, फिर से संदीप और वही मुकाबला शायद इस बार, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक गेंद रुकी नहीं, और इस बीच फिर से प्रयास आक्रमण की त्रिमूर्ति संघ गुटियोली की तरफ से 0-1 से पिछड़ते हुए, हालांकि और एक बड़ी शॉट्स लगी, ये रक्षात्मक किक मानी जाएगी गणेशम गेंद के सामने, भीम भीम देखने वाली बात है, धना का साथ लिया, धना एक मजबूत खिलाड़ी है ठाकुर किसकू, इस बीच दरवाजा बनाने की कोशिश, दुलू का साथ लिया लेफ्ट फॉरवर्ड, उठती हुई गेंद गोलकीपर की, बेहतरीन गोलकीपिंग वहां पे शंकर, बहुत ही सुंदर खेल का मुजारा, अभी थोड़ा सा अंदर तैनात थे इसलिए प्रतिद्वंदी तौर पर उनको खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल एकल खिलाड़ी है यहाँ पे त्रिमूर्ति संघ गुटियोली के। इस बीच धना गति के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं समय शायद बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है, इंद्रजीत क्रॉस लगाना चाहा, हेडर मौजूद लेकिन प्रतिद्वंदी दल के हेडर वहां नहीं थे, राम हंसदा भी फिर से शायद दुलू के लिए गेंद, बिल्कुल दुलू बाबू हमेशा से ही अच्छा शॉट्स लेते हैं, हकल्ला की विकास नायक के पास गेंद, इस बीच ठाकुर किसको के लिए जमीनी प्रयास, विवेक उठती हुई गेंद हेड जरूर आई, हालांकि गणेश श्याम बगल में थे, फिर से गेंद और ये प्रधान का शॉट्स तो चर्चित हैं, लेकिन सुनील लोहार अच्छी तालमेल विकास नायक, फिर से मौका मिला है शंकर यहां से, इस बार शायद विवेक या विकास दोनों तैयार हैं, अब गेंद किससे किक होती है ये तो समय ही बताएगा, दर्शक पूरी तरह नजरें गड़ाए हुए हैं, अभी भी गेंद मौका मिला ठाकुर ने बदले, Thank you.
ये आवाज अभी आई है बिल्कुल, और मैदान के चारों ओर से हमें इस माइक्रोफोन के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं, एक एक के बराबरी पर फिलहाल त्रिमूर्ति संघ लक्ष्मण सरदार को जगह मिला है दीपक बिल्कुल। राम हंसदा दूर वाली छोर से गेंद, हालांकि गणेश साहब सात कॉर्नर हुई है, हेड बहुत अच्छी है। मैं पहले ही आप सबों को बता चुका हूं और दो और हमारे साथी उद्घोषक जुड़ेंगे, एक और नई मैच में आप लोगों के साथ गुलाब जी और शौकेंद्र जी स्वागत करेंगे उन लोगों का भी। और इस समय कॉर्नर किक का मौका मिलता हुआ रामू गए हैं किक के लिए, फिलहाल भीम हेमराम की रन आएगी, निश्चित रूप में गति है इस खिलाड़ी के पास। ठाकुर बहुत ही सुंदर, फिलहाल लक्ष्मण सरदार सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला टच आता हुआ, बहुत ही सुंदर गेंद निकालने में कामयाब ठाकुर की, मौका बोलेगा लक्ष्मण के लिए, अभी तक गेंद और किक भी आई, अच्छी डिफेंसिव पिच, एक और मौका जरूर था, लेफ्ट फुटर किक आई थी हालांकि सफल नहीं हो पाए, लेकिन उम्मीद जरूर जगाई कि स्कोर और थोड़ी सी बढ़ोतरी किया जाए। बिल्कुल बराबरी के बाद बढ़ोतरी बिल्कुल संभव है, और जिस तरह से यहाँ तालमेल बनाकर गेंद को फॉरवर्ड लाइन तक यानी कि गोल एरिया तक पहुंचाया गया था, प्रेम स्पोर्टिंग के लिए कुछ देर के लिए परेशानी का समय बना हुआ था। फिर से गेंद लक्ष्मण सरदार का पदार्पण होने के बाद बिल्कुल कुछ अलग ही परिभाषा नजर आ रही है सुनील लहार की, नीची रहती गेंद लेकिन अच्छा हेड लगा, फिर से दुलू, फिर से सुनील लोहार की, इस बार उठती हुई गेंद, लेकिन ऐसे गेंदों को शायद गोलकीपर बहुत मजे में किक ले लेंगे, ऊंचाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं सुनील विश्वनाथ, एक अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड हाइट है उनकी फिलहाल। हालांकि भीम हेमराम के लिए बुकिंग आता हुआ क्वेश्चन जरूर मिला है, और आज ग्राउंड भी काफी अच्छी सपोर्ट करी है सुनील जी, बहुत ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जहां पुरस्कार की राशि काफी बड़ी होती है, ग्राउंड सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आज कोई सीधी शिकायत नहीं, आपके पास एक अच्छा समय है, एक अच्छी ग्राउंड है आपके पास, अच्छी निर्णायक है आपके पास। इस सेट पीस को किस तरह से लेती है, लगभग 40 से 45 डिग्री का कोण बनती है, अगर आपके पास बहुत अच्छे हेडर हैं तो फिर आप परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, संदीप जैसे खिलाड़ी वहां मौजूद है, गेंद बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है लेकिन बबलू बेसरा, और इससे पहले कि और कुछ हो मैच